और ये हम चलेंगे यहाँ से शालिक अल्ट्रा रन 13 नवंबर लोग कांगड़ा और ये मैं ये देखो सर आप ये मैं आपको बता रहा था ना रात में खो गया था यहाँ पे यार जीप सफारी एसयूवी 4x4 पता ही आवाज ऐसी क्यों निकल रही है क्योंकि ना यार गाड़ी जब ऐसे पहाड़ों पे चढ़ेगी तो आवाजें तो ऐसी आएंगी भाई पर ये गाड़ी का जवाब नहीं है इसकी तारीफ कर देता हूँ थोड़ी सी गुड 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 वन और ये है दोस्तों अपना हम लोग धीरे धीरे कैंप साइट की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ता आप देख सकते हैं मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ एक हाथ से कैसे ओ भाई साहब गिम्बल नहीं लगा पाया हूँ ये आपको पता है ना यहाँ वाट लगी पड़ी है थोड़ा कभी टायर आएगा कभी कुछ आए आए देखो आप क्या मजेदार है साइंस लगे हुए हैं रास्ते में बीच बीच में रास्ता काफी बम्पी है और यू नो डिफिकल्ट रोड ऑलवेज लीड्स टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तो दोस्तों वो चीज आप इसमें सही होते हुए देखोगे यू वॉन्ट टू ऐड समथिंग टू इट शी डोंट वॉन्ट टू ऐड दोस्तों पीछे दो लॉग रखे हुए वो जूते पे भी चढ़ गए बहुत पड़ रही है ये है तो हर जगह से मतलब ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कितने किलोमीटर दौड़ के आए हैं आज तो देखिए आप ये रेंज पे जा रहे हैं तो यहाँ पे 4x4 ही चल सकती है ये रोड ये बता रहा है अपनी गाड़ी गलती से नीचे ना लाएं तो ये भी एक सीखने की ज़रूरत है हमें पर मज़ेदार है अभी एंट्रेंस पे हम पहुँचने वाले हैं तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था इसमें ये लोहे के एंगल्स डाले हुए हैं ताकि और ये आ गए हम अपने गेट पर तो भाई साहब अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे वैसे तो आपने सुबह के भी देखे लेकिन यू नो मौसम मैटर करता है आप हिमाचल में कहीं भी हो मौसम मैटर करता है तो ये हट है अपना ये मतलब मिट्टी का बना हुआ हट है और ये अब देखिए हम लोग नीचे जा रहे हैं नीचे गाड़ी जाती जा रही है और मैं बोलता जा रहा हूँ जैसी भी आवाज निकल रही है डोंट माइंड इट मैं पकड़ लेती हूँ आपके लिए और आप बोलो चलो लोगों को पता तो चले क्या बोल रहे हो आप पीछे से कैसे चल रहे हो भाई बहुत ही डिफिकल्ट मतलब देखो आप क्या क्या हो सकता है यहाँ पे सिर्फ पे टहनी भी टकरा सकती है अभी थोड़ी देर पहले मैं मरते मरते बचाऊँ तो भाइयों ने बचा दिया मुझे प्राण निकलते निकलते रह गए उसकी भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो में है एक वो जगह उसको मैं स्पेशली रखूंगा कि देखिए शंकर कहाँ कहाँ आ जाते हैं तो ये जय शिवा देखिए आप कैंप साइट तो इस बम्पी राइड के बाद आपको मैं दिखाता हूँ जैसे कि आपने देखा कि गेट कैसा है तो ये अपना गेट सुबह मैंने आपको वो वाला पोर्शन कवर किया था टेंट वाला साइड इफ़ यू रिमेम्बर तो अब मैं आपको ये बाकी का एरिया कवर करके दिखाता हूँ तो ये यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड फ्रॉम 40s ठीक है जी और ये यहाँ पर हमारा जो लोग आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं जो लोग पहुँचे हैं और ये सभी भाई लोग आज पार्टिसिपेंट्स हैं तो इन्होंने काफ़ी अमेजिंग आज ये रन किया है अल्ट्रा रन और मैं आपको अब मेडल्स दिखाता हूँ दे आर डूइंग स्ट्रेचिंग और ये हमारी मेडल्स की टैली है देखिए शिवालिक सो मैं आपको घुमा के भी दिखाता हूँ नमस्कार आंटी जी कैसे हैं आप नमस्कार सर तो ये है हमारे शिवालिक अल्ट्रा रन तो मैं बहुत जल्द आपको यहाँ के ऑनर साहब से भी मिलवाऊँगा जिनकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ उन्होंने इन्वाइट किया था मुझे तो ये यहाँ का सारा ऑरा तो मैं सर के दर्शन करवाता हूँ आपको और फिर सर को कैप्चर भी करना है थोड़ी देर उनसे बातें भी करनी है आपको भी बातें करवाऊँगा ताकि आपको भी पता चले कि हमने क्यों बनाया ये कैंप साइट तो आप देखिए ATVs भी हैं हमारे पास और यहाँ पर्सनल पार्किंग और ये सराउंडिंग है और ये सिटिंग एरिया अब मैं आपको धीरे धीरे जहाँ पर हम रात को बॉन फायर कर रहे थे उस जगह ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं
और मैं एक सुबह एक शख्स से रूबरू हुआ, उनसे भी बात कराता हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू सर? गुड, हाउ आर यू सर? आई एम गुड सर, आई विल कनेक्ट। तो ये यहाँ पे हमारा जो हनी, अल्टीमेट हिमालयन हनी, यू कैन सी बॉटलिंग, और उसके बाद ये यहाँ से आपको एक व्यू दिखा देता हूँ, तो 360 हो जाएगा आपके लिए। सो ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया आप देख लीजिए। और ये मैम, आज इन्होंने कौन सी रन किया मैम आपने? 40 किलोमीटर। तो हैव यू गॉट एनी पोजीशन? वॉकथॉन में फर्स्ट हैं आप, सोच सकते हैं। मतलब दोस्तों, बहुत बहुत हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ। और ये हमारा एरिया है ब्रो, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन विच रन? लेट मी कम टू यू। किसमें? ड्यूथलॉन। उसमें क्या होता है? ये यहाँ का व्यू है। अब मैं आपको किचन की तरफ ले जा रहा हूँ। यहाँ पे काफी अच्छे से प्यार से संजोया हुआ है इस जगह को, देखिए आप, खूबसूरती से भरा हुआ। और ये गणपति जी भी विराजमान है यहाँ पर। और ये हमारा कुछ ये है हमारा किचन। यहाँ पे अभी लंच लगने वाला है थोड़ी देर में, और सामने भी बड़ी किचन है। और इस तरफ जो है हमने काफी जो इन्होंने प्लांटेशन की हुई है, अनार के पौधे लग रहे हैं। अनार की है ना ये, देख लीजिए। ये शेफ साहब हैं हमारे जो हमें खाना खिला रहे हैं। शेफ साहब कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से। पंजाब कौन सी जगह से आए हो? अमृतसर। अमृतसर से जी। तो क्या खिला रहे हो आज दोपहर को? आज अमृतसरी कुलचा है, चने है, चटनी है, बटर है। कुलचे खिलाओगे मतलब? यार कुलचों से तो मोटे हो जाएंगे हम यार। नहीं होते, एक दिन में नहीं होते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये अनार का बाग है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। अमेजिंगली डन है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप ऐसी जगह जाते हैं डिवाइन, आप मेडिटेट कर सकते हैं। देखिए आप कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। ये सराउंडिंग है और ये पूरा जंगल जितना भी आपने देखा, ये हमारे सर का है। उनका इंटरव्यू भी मैं आपके लेके आऊँगा एंड में, बिकॉज वो हमने एंड के लिए रखा हुआ है। काफ़ी बड़ी है, मेरे को लग रहा है कि मतलब 100-150 पौधा अनार का यहाँ लगा हुआ है। देखिए आप चारों तरफ सराउंडिंग। तो दोस्तों, अनार के बाग के बाद मैं वापस चलता हूँ। तो यहाँ पे ना टीम बैठी हुई है किचन वाली, जिनकी वजह से हमें खाना मिल रहा है। तो बाबा जी आपका नाम क्या है? आयुष राणा। आयुष राणा। और बाजी आपका? मुकेश रावत। मुकेश जी हैं, और इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, इनका इंट्रोडक्शन नहीं देना। तो ये लोग हैं जो हमें यहाँ पर खाना सर्व कर रहे हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। मैं कल रात्रि से यहाँ पे हूँ, सुबह भी मैंने खाया है, अब लंच की दरकार है। पर ये खिला रहे हैं हमें अमृतसरी कुलचा। अमृतसरी कुलचा बहुत टेस्टी होता है, उसमें मक्खन रख के ना बहुत मज़ा आता है ना। तो अब इनकी जादूगरी देखनी है। आए हैं ये पंजाब से, अमृतसर लेके आए हैं यहाँ पर, और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दोबारा मैं आपको अंदर की तरफ ले जा रहा हूँ। नज़ारा तो बड़ा दुर्लभ है, काफ़ी लोग एकत्र हुए हैं, बहुत ही अच्छे से चल रहा है यहाँ सिस्टम। काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने संजोया हुआ है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। और देखिए आप, तो मैं एक पाजी से मिलवाता हूँ आपको। सत श्री अकाल महाराज। महाराज ये हैं वो बंदे जिनकी वजह से हम यहाँ खाना खा पा रहे हैं बहुत अच्छा सा। तो ये पंजाब की टीम के पीछे यही हैं। तो सर अपना इंट्रोडक्शन दें। Harpreet, and I'm working under the name of Harry the Caterer. Okay. From Amritsar. Okay. Yeah. And I'm Harry catering all kind of catering stuff. Okay. Yeah. Okay. Sir, थोड़ा धूप में हम घूम सकते हैं? Yeah, sure, why not? ताकि आप अपने बारे में भी थोड़ा बता सकें? Yeah. I was brought up in Delhi. Okay. Shifted to Amritsar in 97. Okay. And this work has been my sister's business house. Okay. Delhi, we were into tent houses, now we are into catering. Wow. Yeah. So how long you have been into this business? Since 97. So you got it as a legacy?
yeah, we got it. Okay. So my parents were into same business, but okay. into tenting. Okay. बहुत ही अच्छा खाना है सर आपका. मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, मैं आपके एम्प्लॉई से भी मिला हूँ और मैंने उनको भी कहा है कि बहुत ही अच्छी कैटरिंग कर रहे हैं आप, और जो भी आपने भोजन हमें खिलाया वो बहुत ही बढ़िया था और पेट के लिए बहुत सुखदायी था. इट्स ऑलवेज माय एंडेवर कि हर एक को अच्छा खाना खिलाओ ताकि याद रहे. जय शिवा. हेलो, हाय, आई एम भूषण. आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ द अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप साइट फॉर ओवर अ डिकेड नाउ, एंड विल वॉक यू थ्रू द कैंप अ लिटिल बिट. I'm an adventure enthusiast in India and outside, apart from my corporate life, and we'll chat about that some other time, but we would love to give you a quick sneak peek to our campsite. Yeah, sure, sir. So we have stay facilities for about 100 plus people, okay. which we can scale to much larger groups as well. Mm-hmm. The idea of Ultimate Survival Campsite was to get all adventure and sports enthusiasts together. To come away from the city, spend anywhere from a day to a weekend to a week, okay. and just relax, cut off. And we have a lot of on-site facilities for everyone in the family. Mm-hmm. We have running events, we have running training, we have professional trainers. Mm-hmm. We now offer whitewater rafting. Okay. We offer walks in the forest, in the hills. Beer billing, we help schedule paragliding events. So it's a perfect way to relax and recharge your batteries and do activities that you'd like. As you can see around, it's mostly tented accommodation, from bigger tents as you see here, all the way to pup tents as we showed you before. So you have a choice of stay. And then we have bathroom and toilet facilities which are the best in the state. Totally hygienic. We run a COVID-free site. So you're welcome. For inquiries, go to our website www.ultimatesurvivalcampsite.com, and we'd be happy to assist you and hope to cater to any kind of adventure or activity that you'd like to do. Thank you. Cool.